नमस्कार, मैं विनीत राय। आज के इस खास खबर में आपको सपने में सांप के काटने का फल यानी कि सांप के काटने का परिणाम को बताएंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सपने का आना मनुष्य को दिया गया भगवान का एक कुदरती देन है और सपनों पर किसी भी इंसान का कोई भी बस नहीं चलता है। स्वप्न ज्योतिष शास्त्र की अगर हम माने तो सपने दो प्रकार के होते हैं। एक वो जो हम रात में गहरी नींद की अवस्था में देखते हैं और दूसरे वो जो हम अपने सुनहरे और उज्जवल भविष्य को लेकर देखते हैं। सपनों की तरह तरह किस्में होती हैं। कुछ सपने बहुत ही डरावने होते हैं, जबकि कुछ सपने रोमांटिक और प्यारे भी होते हैं। बहुत सारे लोग आधी रात को अचानक से सपना डरावना देख करके चौंक कर उठ जाते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग तो इन सपनों में कुछ इस तरह खो जाते हैं कि वो डर के मारे चिल्ला उठते हैं। जबकि हर सपने में कुछ ना कुछ मतलब जरूर होता है और कुछ सपने हमें शुभ संकेत देते हैं तो वहीं कुछ अशुभ संकेत भी देते हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको बताते चलें कि कुछ लोगों के अनुसार दिन के 3 बजे जो भी सपना आए वो एक ना एक दिन सच जरूर होता है। बहरहाल इस बात में कितना सच है और कितना झूठ, चलिए आपको बताते हैं इसके बारे में। आपको बता दें कि बहुत सारे लोगों को आधी रात में सोते समय सपना दिखाई देता है। सांप का सपना देखकर लगभग हर कोई डरकर चौंक जाता है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि आखिर सपने में सांप के काटने का फल क्या होता है, यानी कि सांप का दिखना आपके लिए शुभ संकेत होगा या फिर अशुभ, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि सपने में सांप के साथ खेलना, अगर आप गहरी नींद में हैं और आपको अचानक सपनों में सांपों के साथ खेलने का ख्वाब दिखाई देता है तो इसका मतलब आपका मिजाज काफी आशिकाना है। ऐसे व्यक्ति के अंदर काम वासना काफी तेजी से बढ़ने लगती है और वो हर स्त्री के बारे में गलत भी सोचने लगता है। ऐसे में अगर आपको भी ऐसा अजीब सपना आए तो आपको एक बार अपने साथी के साथ संबंध जरूर बना लेना चाहिए ताकि आपकी काम वासना आपके काबू में रहे। अब हम बात करते हैं दूसरे सपने के बारे में और दूसरे सपना है सपने में सांप के काटने का मतलब। बहुत सारे लोग सांपों से डरते हैं क्योंकि सांप का जहर इतना असरदार होता है कि वो किसी भी व्यक्ति की जान तक ले सकता है। ऐसे में अगर आप सपने में सांप के काटने का फल या दृश्य को देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपके साथ बहुत ही जल्द कोई अनहोनी होने वाली है जो कि आपको अंदर से तोड़ कर रख देगी। अब हम बात करते हैं तीसरे सपने के बारे में और तीसरा सपना है कि सपने में सांप को मारते हुए देखना। बहुत सारे लोग सांप को देखते ही उसको मारने की ठान लेते हैं। ऐसे में अगर आप सपने में सांप को मारते हैं या फिर उसको पकड़ते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जल्द ही आपके हाथ बहुत बड़ी कोई सफलता लगने वाली है, क्योंकि सपने में सांप को पकड़ना बहुत ही शुभ माना जाता है। अब हम बात करते हैं चौथे सपने के बारे में और चौथा सपना है कि सपने में सांप देखकर डर जाना। कुछ लोग सांप को अपने आमने सामने देखकर उसकी दहशत से कांप उठते हैं यानी कि डर जाते हैं। अगर आप भी सपने में सांप देखकर डर जाएं, तो इसका मतलब है कि आपका कोई अपना आपको बहुत ही जल्दी धोखा भी देने वाला है। अब हम बात करते हैं पांचवें सपने के बारे में और पांचवा सपना है सांप और नेवले की लड़ाई का दृश्य देखना। अगर कोई इंसान सपने में सांप और नेवले की लड़ाई का दृश्य को देख लेता है तो जल्दी ही उसको किसी कारण से कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। जबकि वहीं छठा सपना है कि सांप का छत से गिरते हुए का दृश्य देखना।
अगर आप गहरे नींद में हैं और आपके सपने में कोई सांप छत से नीचे गिरता हुआ दिखाई दे, तो इसका मतलब है कि आपका कोई करीबी बीमारी से जूझने वाला है। अब हम बात करते हैं सातवें सपने के बारे में, और सातवां सपना है सपने में सांप के दांत का दिखना। अगर आपको सपने में सांप का दांत दिखाई दे, तो इसका मतलब आपका कोई रिश्तेदार आपके साथ विश्वासघात करने वाला है, क्योंकि सांप के दांत दिखने का अशुभ माना जाता है। वहीं आठवां सपना है सफेद सांप को सपने में देखना। अगर आपको सपने में सफेद सांप या फिर नाग दिखाई दे, तो आपके जिंदगी में बहुत ही जल्द सुख समृद्धि आने वाली है और परिवार की खुशियां वापस लौटने वाली हैं। अब हम बात करते हैं नौवें सपने के बारे में, और नौवां सपना है सांप का बिल में जाना। अगर आपको सपने में कोई भी सांप बिल में जाता हुआ दिखाई दे, तो इसका मतलब कि आपके जीवन में धन की वर्षा होने वाली है और आपकी किस्मत भी बदलने वाली है। तो दर्शकों, ये थे वो नौ सपने जो कि सांप से जुड़े हुए थे, जिनको हमने आपको बताया कि सांप को सपने में देखना आपके लिए शुभ संकेत होता है या फिर अशुभ संकेत। ऐसे ही किसी और जानकारी के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए और देखते रहिए नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। नमस्कार।